तो यह है खेती के छोर पर लगा हुआ चंदन का छोटा सा पौधा जो अभी अच्छा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूँ और हमेशा की तरह यही कहूँगा अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज जो एक अलग बातचीत करेंगे हम विषय पर, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई जिसमें मैं कह चुका हूँ कि मैं एक स्कूल में टीचिंग का काम करता हूँ। तो मेरे वीडियो में खेती के साथ साथ कुछ अलग बातें भी होती हैं, अगर आपको पसंद आती है तभी देखा करो, वरना नहीं आती तो मत देखा करो। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो पूरा वीडियो नहीं देखते, आधा अधूरा ही देखते। तो इससे सीधा आपके पास ऑप्शन है, एक तो आप देखो ही मत, नहीं तो पूरा देखो, क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं अलग चीज़ पर बात करने वाला हूँ। तो बात यह है कि बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं, अगर उनके बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर है, यानी उन्हें जो अलग अलग विषय होते हैं कुछ विषय समझ में आते हैं कुछ नहीं आते, जैसे किसी को गणित अच्छा लगता है, अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, तो बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसा देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बोलते हैं हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, तो हम क्या करेंगे इसे 10वीं तक या 8वीं तक ही पढ़ाएंगे, बाद में इसे हम खेती में निकालेंगे, ये किसानी करेगा, खेती करेगा। तो ऐसा सिर्फ किसानी बोलते ऐसा नहीं, कुछ मज़दूर लोग भी होते जो कुछ काम करते हैं गाँव में या शहर में, तो वो भी बोलते हैं कि हमारा बेटा पढ़ाई में बराबर नहीं, तो हम इसे पढ़ाई इसके बंद कर देंगे। तो आप अमीर हो, गरीब हो, किसान ना हो, इससे कुछ मतलब नहीं। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई मत रुकवाइए। तो अपने बच्चों को कम से कम 12वीं के बाद, यानी 10+2 12वीं के बाद ग्रेजुएशन तक उससे ज़रूर पढ़ाए, तभी उसको हमारे लोगों के बारे में पता चलेगा। और शिक्षा का यानी पढ़ाई का जो उद्देश्य है वो केवल नौकरी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने के बाद नौकरी ही लगनी चाहिए, ऐसे उनके मन में ख्याल आते हैं, सबका यही कहना है हमारे भारत में। तो शिक्षा का यानी पढ़ाई का और नौकरी का कोई संबंध नहीं। शिक्षा जो हम लेते हैं, अगर सब लोग नौकरी करेंगे तो कैसा चलेगा, और ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाए, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा बच्चों के हिसाब से। तो सब जो अपने मन में ख्याल रखते हैं कि हमारा बेटा नौकरी को लगना चाहिए, वो पहले तो हटा दो। तो शिक्षा क्यों ज़रूरी है, अभी देखो ऐसा समझो कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ खेती करता हूँ। अभी ये जो मैं चैनल चला रहा हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको मेरे विचार बोलता हूँ, आप सुनते हो, कोई नहीं सुनता है, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए, इसको एडिट करने के लिए, इसको टाइटल देने के लिए जो ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे नॉलेज है कि टाइटल कैसा देना है, क्या बातचीत करनी है। तो ये सब कब पता चलेगा, जब कोई आदमी पढ़ेगा तभी। अभी हो सकता है अनपढ़ भी अपने जीवन में तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको समय देना पड़ेगा और अलग काम करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में ऐसे फील्ड है, आप कुछ भी करो, बिजनेस करो, खेती करो, और कोई अपना जो पुराना जो तुम्हारे पिताजी करते हैं वो आप बिजनेस करो, लेकिन उसके लिए अगर शिक्षा है तो आपका दिमाग जो है वो कुछ अच्छा सोचेगा, और जो भी आप बिजनेस करते हो तो उनके बारे में वो और जानकारी लेगा। जब पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा ले सकता है जानकारी, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं आदमी बनेगा, उसके लिए कुछ आदतें भी अच्छी होना चाहिए। जैसे अभी मोबाइल है, तो मोबाइल का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं वो भी एक विषय है। अगर हम सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो तरक्की तो होगी नहीं, फिर अधोगति होगी, यानी अंधकार में जाएंगे हम। और एक बात बोलता हूँ कि जैसे हम जो भी खाते हैं, हम फल खाते हैं या जो भी खाना खाते हैं, तो क्या खा रहे हैं इस पर हमारी तबीयत निर्भर है। अगर हम पौष्टिक भोजन ले रहे हैं तो हमारी जो तबीयत है वो ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर वही जैसे ये खुराक हमारे शरीर को मिलता है, वैसे खुराक हमारे दिमाग को भी मिलता है। अगर हम मोबाइल पर कुछ गलत चीज़ें देख रहे हैं तो क्या होता है, वही घूमते रहता है दिमाग में। तो इसलिए मोबाइल पर काम की चीज़ें देखो। अब मैंने कल वीडियो एक लोड किया था चैनल पर मेरे, तो देख रहा था मैं, तो एक क्राइम स्टोरी का चैनल था जिस पर सिर्फ खून और गलत गलत चीज़ें ही बताई है, तो उसके व्यूज़ देखे मैंने, तो पूरे भर भर के व्यूज़ थे। तो लोगों को गलत चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर कोई बताएगा कि चंदन की खेती करो जैसे मैं बताता हूँ, या कुछ करो, अपना समय बर्बाद मत करो, तो लोगों को ये कहने के बाद, सुनने के बाद गुस्सा आता है कि ये आदमी क्यों कह रहा है। तो अभी सही कह रहा हूँ तो भी गुस्सा आता है, और वो जो देख रहे हैं आप गलत चीज़, ये क्राइम स्टोरी सुनकर क्या करोगे आप, क्राइम दिमाग में वही चलेगा, फिर उससे तो फ़ायदा ही है कोई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं आज जो कहने वाला हूँ वो सिर्फ चंदन की खेती के बारे में नहीं, कुछ अलग है। तो जैसा आप सोचते हो वैसा ही हमारे जीवन में घटता रहता है, और ये विश्व है, इसमें एक ताकत है। तुम अगर अच्छा सोचोगे तो उसमें अच्छी अच्छी सलाह अपने आप हमारे दिमाग में आ जाती है। अभी देखो मैं पेड़ पौधे लगाने का मुझे ज़्यादा रुचि है, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बातें चलती कि कौन सा पेड़ लगाना है, होस्ट कौन सा लगाना है, चंदन कहाँ पर लगाना है। आप देख सकते हो मैंने ये पूरे पत्थर में भी चंदन लगाया और काफ़ी बड़े भी हो चुके। आप दूसरे वीडियो देख सकते हो, अभी ये होस्ट का काम कर रहा है, और थोड़ी दूर पर चंदन का पेड़ है, अभी सीताफल छोटा है लेकिन ये अभी पूरा हुआ है, इसको पानी भी चालू है। तो यही बात हमारे जीवन में भी होती है, हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किसके साथ रह रहे, अगर हम किसी गलत आदमी के साथ रहते हैं और वो दिन भर कुछ गलत बातें करता है, तो शाम को या उसी दिन वो गलत बातें घूमती रहती है हमारे दिमाग में।
तो इसीलिए मैं दोबारा यही कहता हूँ कि सारे लोगों को जो भी अपने बच्चों को पढ़ाई जिन्होंने रुकवाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी उनको हमारे अभी जो आने वाला समय है उसमें वो टिक सकेंगे। क्योंकि शिक्षा का ही ज़माना है, जिसको शिक्षा नहीं उसका तो नौकर की तरह लोग इस्तेमाल करेंगे। जो पढ़े उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हो, अगर आपके पास थोड़ी ज़मीन है तो खेती के छोर पर चंदन लगाइए। उससे आपको मुख्य ज़मीन में दूसरे पीक ले सकते हो, आप फसल ले सकते हो। और खेती के छोर पर चंदन भी बढ़ेगी, थोड़ा धीरे बढ़ेगी तो भी कोई बात नहीं। तो बस यही रुकते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होने के बाद लोगों को देखने के लिए समय नहीं, तो आप पर निर्भर है। तो बस यही रुकते हैं।